सो गाइस अभी हम जाके आए थे धर्मशाला, थोड़ी दूर आए हैं यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता के दर्शन करेंगे क्योंकि हमारी है जो कुल देवी वो भी चामुंडा माता है, तो उनके भी दर्शन करेंगे यहाँ पे आए हुए। देखो सामने चामुंडा माता का मंदिर है, अंदर चलेंगे। तो गाइस मंदिर के पीछे जो है यहाँ पे एक नदी बहती है और ये देखने में मतलब बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि नदी के साइड में होता है ना तो एक तो ठंडी ठंडी हवा आती है और लुक भी बड़ा प्यारा आता है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, हमारे सभी फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग चामुंडा माता मंदिर के अंदर जा रहे हैं माता के दर्शन करने। अब देखते हैं वीडियो अलाउ होगा तो वीडियो बनाएंगे, अलाउ नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। ये हमारी कुलदेवी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपने नाम अभिषेक पुरोहित है और ये मेरा भाई है छोटा। ननियाल के चामुंडा माता कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे हैं, ये देखिए आपको चामुंडा। तो गाइस ये मेन मंदिर की है जो एंट्रेंस है और ये भी बहुत चौड़ा रास्ता है, अंदर चलते हैं देखते हैं और क्या क्या। ये मंदिर बहुत बड़ा है और इसमें मतलब मैंने आपको कैमरा मंदिर है, जैसा कि मैंने अभी आपको कैमरा में दिखाया, यहाँ पे लाइनें भी लगी हुई है दर्शन के लिए और लोग दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम भी दर्शन करने हैं और ये नीचे की साइड है जो पूल है, जो पूल अभी तो फिलहाल तो खाली है बट इसमें पानी रहता है अभी खाली के साइड साइड में ही है, अलग अलग तरीके से किए हुए मतलब अच्छी सी डिजाइनिंग की हुई है। ये हमारे युकी महाराज। सो गाइस अभी हम चामुंडा माता का दर्शन करके आ गए, सॉरी वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था इसलिए मैं वीडियो कुछ भी नहीं बना पाया, बट जितना हो सकता था उतना मैंने बनाने की कोशिश की। आगे चलते हैं और बस अभी बस में बस लोगों का इंतजार कर रहे हैं, लोग जो हमारे साथ में आए हमारे फैमिली वाले वो दर्शन और करेंगे तो फिर हम जाएंगे। और ये पीछे की साइड मैं आपको बता रहा, पीछे की साइड एक नदी बह रही है, अभी बारिश आ रही है इसी कारण देखिए सड़के के लिए और नदी का पानी है जो खराब है, बट जिस टाइम हम आए थे उस समय एकदम नीट एंड क्लीन पानी था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। संजू जी मंदिर कांगड़ा माता मंदिर में 1 किलोमीटर तक ऊपर जाना पड़ेगा, गाड़ियाँ यहीं पे सारी रुकी है, सारे सब लोग पैदल जाएंगे माता जी के मंदिर, चलो चलते हैं रास्ते में। चलो 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 चलो, ओए बिंटू भैया, बिंटू भैया ओए। तो गाइस अभी हम लोग वहाँ पे जाके आए, तो वहाँ पे मुझे टोपी पसंद आई जो कि है मतलब हिमाचल पर्वत वाली टोपी होती है, पहाड़ों वाले लोग लगाते हैं पार्टी टोप, तो ये मैं वहाँ से लेके आ गया। अभी हम रुके खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बहुत अच्छा सोना खाने के लिए जो लोकेशन इन्होंने चूज की है वहाँ पे पीछे ये देखिए पूरी पलटन आ रखी है, खाना खा रहे हैं। नीचे की साइड है जो नदी बह रही है, आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ पूरा। खाना खाने के बाद उसमें बैठ के आ गए हैं, तो अभी तक मतलब आपने देखा कि हमने खाना खाया चामुंडा माता मंदिर के, अब हम जा रहे हैं बगलामुखी माता के मंदिर जो है बड़खंड में और हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे भी लाइन से पूरी मार्केट लगी हुई है, फिर मंदिर आपको दिखा रहा हूँ पूरा व्यू पे। सो गाइस यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे हर मंदिर में जा रहे थे वैसी चीज़ यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है, अब लाइन में लगेंगे देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है, अभी तो लाइन में लगे रहते हैं, नंबर आएगा तब आपसे मिलते हैं। नॉर्मली तो माता जी के है वो रेड कलर की चुन्नी चढ़ती है, बट इस मंदिर में है जो येलो कलर की चढ़ती है, हर जगह देख लो येलो कलर की है, मैं चुन्नी करके दिखा। जय माँ बगलामुखी। तो
गाइस दर्शन तो हमने कर लिए हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए, बट वीडियो वही हर बार वाली प्रॉब्लम होगी, वीडियो बनाने अलाउ नहीं, इसलिए वीडियो जितना बन सका उतारने की कोशिश किया गया। बनाने भी वाला था बट अंकल ने मुझे पकड़ लिया, अगर जाके बना लो मत बनाओ वरना आपको बाहर निकाल देंगे, फिर वीडियो तो कुछ बना नहीं। सो गाइस हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी थी इसलिए हम यहाँ पे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेंगे फिर उसको पियेंगे और आगे जाएंगे। सो गाइस रात को तो बहुत लेट पहुंचे थे यहाँ पे इसलिए हमने रात में यहीं पे इस होटल में स्टे कर लिया था। अब जा रहे हैं हम ज्वाला देवी माता के लिए, चलो अब ज्वाला देवी माता चलते हैं। शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी जी मंदिर मार्ग, तो हम ज्वाला देवी मंदिर के रास्ते में हैं। पानी पीने के लिए रुपया पानी और फिर चढ़ाई करेंगे। चढ़ाई कर लिया, मंदिर आ गए, मंदिर में कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सीधा माता जी का मंदिर है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो गाइस ये है ज्वाला देवी माता का इंटीरियर लुक, अब आगे और देखते हैं क्या क्या होता है। धातु कौन है तो वापस है किसो बच्ची हो किसो चढ़ा जवाब हो गया मैसेज पैसा कौन है। सो गाइस जैसे थे यहाँ के आज के दर्शन ज्वाला देवी के, इसमें मतलब एक चीज देखने के लिए थी, मतलब ज्वाला चल रही है माता जी के मंदिर में और वो मतलब उसके अंदर जो अकबर का छत्र है वो भी मैंने आपको बताया था कि अकबर का छत्र भी यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री है। तो गाइस ये है हमारे मुरारी काका, ये हनी सिंह के बहुत बड़े फैन है और ये जानवरों से बहुत ज्यादा अथक प्रेम करते हैं। जब हम लोग नैना देवी जा रहे थे तो रास्ते में आया डैम, तो सोचा यहीं पे रुकते हैं। अभी हम गोविंद सागर झील बांका नगर बांध पर रहे हैं। मैं महेंद्र आचार्य बोल रहा हूँ, हाँ थोड़े है तो लो पहले। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हम गोविंद सागर बांध नगर में का आनंद ले रहे हैं सभी सहयोगियों साथियों के साथ। आचार्य जितेंद्र जी के योग से पूरा हमारा जो है ग्रुप आया हुआ है वो इसी का आनंद ले रहा है। ऐसा प्राकृतिक जो डिनर चल रहा है, हमारा लंच चल रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो गाइस ये भाखना नगर बांध की साइड वाली है जो टनल है, अब इस टनल से जा रहे हैं और आगे जाएंगे भाखना नगर बांध में। तो गाइस जब हम लोग नैना देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ की चढ़ाई करेंगे हम उड़न खटोले से, क्योंकि बहुत मजा आता है उड़न खटोले में, पीछे का पूरा सुंदर सा व्यू दिखता है, तो मैं कैमरे में भी कैप्चर।
तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जो इतनी देर फट रही थी वो जी में जी आया है। जाके नीचे होटल में रुकने आए, होटल में स्टे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे 5 बजे जलंधर के लिए। तो अभी होटल में सभी लोग रूम का वेट कर रहे हैं।